हमारा नाम बाबन महतो, उम्र 52 साल, ग्राम बसम, गरखा थाना, जिला छपरा। अक्टूबर में हम आते हैं, जो दुर्गा पूजा होता है ना, उसके पहले 2 दिन हम आ जाते हैं। मथुरा में इस जगह हमको हो गया 10 साल। 71 को मेरा जन्म है और 82 से मैंने इस काम को शुरू किया। हम सुबह 3 बजे उठ जाते हैं, उसके बाद आग जला देते हैं, वहाँ बैठ जाते हैं। 5 बजता है तो अपना बांस लेकर के काम को शुरू कर देते हैं, 7 बजता है तो बंद कर देते हैं, लेकिन पूरा दिन करते हैं। मैं काम में रहता हूँ तो मेरा बेटा जो है ना, वो कभी खाना बना देता है। यहाँ पर अपने चूल्हा बना करके अपने हाथों से आटा रोटी बनाते हैं, भात बनाते हैं, चावल बनाते हैं, मछली बनाते हैं, मीट बनाते हैं। बांस को देखने से हम लोग जान जाएगा ये 3 साल का है कि 2 साल का है कि 1 साल का है, क्योंकि हम लोग बचपन से उस बांस को परिवर्तन किए हैं, उसको फाड़ करके चेक करते हैं पूरा बूढ़ा हो गया है, पूरा पुरट हो गया है कि नहीं। ढूंढने के बाद में हमको जो बांस पसंद आता है, अच्छा मोटा पूरा 3 साल का हो, उसको हमको गौर से काटना है। नाम है मसला बांस। इस बांस की खासियत है कि फाड़ने में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सब इसी जगह इसी अंचल में ही है। अलीपुर द्वार से लेकर के आपको चला जाइए किशनगंज तक, बिहार तक भी है। हमको जहाँ काम मिल जाता है अच्छा देखने में, वहीं रह जाते हैं। हमको कहीं भी घूमते, बहुत बचपन से घूमते घूमते मेरा अभ्यास खुल गया। फिर अगले साल हम नवंबर अक्टूबर में यहाँ आ जाएंगे। ऐसा ही 2 महीना यहाँ, 2 महीना वहाँ, 3 महीना वहाँ। अभी हम यहाँ से घर चले जाएंगे, उसके बाद हमको फोन आएगा आसाम से कि आओ, तो 15 से 20 दिन वहाँ रहेंगे, उसके बाद में हम फिर आसाम चलेंगे। चाहे उसमें हमको जितना 6 महीना रहना हो, मर्जी का अपना बात है, जितना महीना रहो पूरा साल भी रह सकते हैं। ऐसा बात, ये पत्ता तोलने वाला टोकरी बनाते हैं बगान का, ये देखिए, ये जो बनाते हैं 8 फुट का नाप है, इसमें 20 मन धान आएगा। एक बीता इसको और बढ़ाएंगे ना तो उसमें 22 से 24 मन आ जाएगा। हाँ, एक बीता जैसे एक हाथ हुआ ना का आधा, और 50 मन धरना है तो 9.5 हाथ बनाना होगा। मेरा गुरु जी था जो, वो पहले मथुरा में ही रहता था, इसी जगह वो बेचारा मर गया। राम प्रवेश महतो उसका नाम था। वही हमको सिखाया और बता दिया कि देखो इतना पीस में इतना पीस होगा, इतना पीस में इतना पीस होगा। उसने हमको बहुत अभ्यास करके सिखाया। ये जो हम बैठाए हैं ना, ये चीज हो, ये सबसे कठिन काम है, दिमाग लगाना, ये कहाँ कहाँ बैठेगा। ये मतलब ये बच्चा को दीजिएगा तो ये चीज़ को इधर रख देगा, वो चीज़ को उधर रख देगा। ये जब बनाने चलिएगा ना, इसको लगाने चलिएगा तो बनेगा ही नहीं।
जितना दिन हम रुके उतना दिन तक बिक्री हुआ, लेकिन अब बंद होने वाला है तो काहे बनाएंगे, अब छोड़ दिए, बनाएंगे नहीं तो ऑर्डर देगा उसको, हाँ। बनाएंगे नहीं तो नहीं बनाएंगे। यही में पूरा बाजार है, इसी हाथ में हम लोग डोली बिक्री करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा बस्ता में रखना शुरू कर दिया, अभी भी हम चले जाएंगे उसका बाद फिर भी डोली खोजेगा, वो जब मूसा काटेगा ना ये लोग को धान नष्ट होने लगेगा, इधर उधर मूसा काट के गिराएगा फेंकेगा, फिर बाद में लोग डोली वाला को खोजेगा। मेहनत करके खाने में शरीर ज़्यादा मोटा भी नहीं होगा, पतला भी नहीं होगा, जैसे हैं वैसे हैं। हमारा काम है मेहनत करके खाना। हम जितना दिन रहे हैं, जितना दिन दो पैसा कमाए चाहे पाँच पैसा कमाए, हमारा समय कट गया। ठीक है, लड़का बच्चा को पोसपाल के बड़ा कर दिए हैं, अभी भी जितना दिन शक्ति चलेगा उतना दिन कमाएंगे खिलाएंगे। क्या चाहिए इससे ज़्यादा? कोयल बिना, कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा, 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 कोयल बिना बगिया ना शोभे राजा।